मुंबई के एंटीलिया केस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र में परमबीर सिंह का कहना है कि इस मामले में सस्पेंड किए गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वझे को देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के लिए कहा था। परमबीर सिंह के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासी गर्मी बढ़ गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के आरोपी पुलिसकर्मी सचिन वझे को हर महीने रेस्टोरेंट्स, होटल, बार आदि से 100 करोड़ की उगाही करने के आदेश दिए थे। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गए। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह तीन दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन तीन दलों की सरकार ने न केवल पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दें।